हाँ जी आज हम एक्सरसाइज 5A करेंगे, ठीक है। ऑक्सफोर्ड का कोर्स है, क्लासिक्स का है और न्यू काउंटडाउन मैथ है, सेकंड एडिशन है, ठीक है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो ये है कि गिव टू पॉसिबल इंटीजर्स, हमने दो पॉसिबल इंटीजर्स लिखने हैं फॉर द प्लेस होल्डर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। यहाँ पे हमारे पास कुछ प्लेस होल्डर गिवन है और हमने ये बताना है कि दो ऐसी कौन सी पोजिशन सॉरी दो कौन सी पॉसिबल इंटीजर्स हैं जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये क्या है कि जीरो ग्रेटर देन, अब ये जो साइन होता है ना ये बड़े तरफ होता है, ये वाला ये जो सिंबल है ये वाला, अगर इसका मुंह किसी भी नंबर की तरफ खुला हुआ है तो वो नंबर बड़ा होता है, ठीक है। हमने वो नंबर लेना है जो जीरो जिनसे बड़ा हो, ठीक है। तो जीरो इज ग्रेटर फॉर ऑल नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स से जो जीरो होता है वो बड़ा होता है, जो नेगेटिव नंबर होते हैं वो छोटे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो दो नेगेटिव नंबर बनते हैं वो कौन से बनते हैं, माइनस वन और माइनस टू, ये दो नंबर हैं जिनसे जीरो बड़ा है और ये दो नंबर जीरो से छोटे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, अब यहाँ पे देखें कि ये जो मुंह है यानी ये जो सैंबल है ना वो इसकी तरफ, इसका जो माउथ है वो क्लोज है, ठीक है, यानी इसका मुंह इसकी तरफ बंद है। जब ये बंद है तो इसका मतलब है ये हमारे पास छोटा है। हमने दो नंबर लिखने हैं, ऐसे दो नंबर जो कि माइनस टू से बड़े हों, ठीक है। तो जितने भी पॉजिटिव टर्म्स होती हैं वो माइनस टर्म से बड़ी होती हैं, ठीक है। तो इसके जो हमारे पास बनते हैं माइनस वन लिख लेते हैं, माइनस वन जो है वो माइनस टू से बड़ा है और जीरो लिख लेते हैं, ठीक है। आप कोई भी पॉसिबल टू स्टेट्स लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर देखें कि यहाँ पे वो नंबर लिखने हैं जिनसे माइनस थ्री बड़ा हो, यानी कि यहाँ वो नंबर लिखने हैं जो कि माइनस थ्री से छोटे हों। तो माइनस थ्री से जो छोटे होंगे वो माइनस फोर और माइनस फाइव, यानी कि जितनी टर्म मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर कोई टर्म बड़ी है और उसके साथ माइनस लग जाता है तो वो टर्म छोटी हो जाती है, यानी जितना बड़ा नंबर होता है लेकिन नेगेटिव साइन की वजह से वो छोटा हो जाता है, ठीक है। और जो नंबर छोटा होता है नेगेटिव साइन की वजह से वो बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से अब ये जो माइनस फोर है ये छोटा है और माइनस थ्री बड़ा है, ठीक है, और माइनस फाइव जो है वो छोटा है और माइनस थ्री बड़ा है। ये दो पॉसिबल स्टेट्स हैं, ये कंडीशन हैं जो कि क्या करती हैं कि इसको फॉलो कर रही होती हैं, ठीक है, ठीक हो गया। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 4 इसका है विच इज ग्रेटर, अब हमने ये बताना है कि कौन सा ग्रेटर है, माइनस वन 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 और माइनस वन 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 वन, ठीक है। अच्छा अब वही बात आ जाती है कि जो नंबर बड़ा है लेकिन अगर उसके साथ नेगेटिव है तो वो छोटा हो जाएगा, और जो नंबर छोटा है अगर उसके साथ नेगेटिव है तो वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। एक तो आप इस तरीके को फॉलो कर सकते हैं, दूसरा ये कि आप देखेंगे इन दोनों में से टर्म कौन से पहले आ रही है, जो टर्म पहले आ रही है वो क्या होगी, बड़ी होगी, ठीक है। ये है 111 और ये है 1011, तो ये वाला क्या है, ये टर्म हमारे पास बड़ी है, तो हम लिखेंगे माइनस वन 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 इज ग्रेटर, ठीक है। नंबर 9 पे ये टर्म पहले आ रही है, ये टर्म बाद में आ रही है, तो ये टर्म क्या होगी, ये बड़ी होगी। एक ये ये मेथड है, दूसरा ये वाला है कि आप ये भी देख सकते हैं कि जो टर्म बड़ी है, अब ये माइनस माइनस को खत्म कर दूं तो जो टर्म बड़ी है, ठीक है, वो आपको पता है वो ये वाली, यानी ये वाला जो नंबर है वो बड़ा है, ठीक है। नेगेटिव की वजह से ये छोटा हो गया और ये नेगेटिव की वजह से बड़ा हो गया है, ठीक है। हाँ जी नेक्स्ट आ जाता है अरेंज, यानी क्वेश्चन नंबर 5, अरेंज द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। जो मैंने इसका क्वेश्चन नंबर 1 कराया था वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में था, अब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। अच्छा मैंने वहां पर इंक्रीजिंग का ये बताया था कि आप उसको असेंडिंग में लिख सकते हैं छोटे से बड़े की तरफ, और यहाँ पे डिक्रीजिंग का ये है कि बड़े से छोटे की तरफ लिखना है, यानी कि डिसेंडिंग में भी आ सकता है, ठीक है। मैंने ये जो सेंडिंग और डिसेंडिंग का लफ्ज यूज किया था ये सिर्फ इसलिए किया था ताकि आपको रिजेम्बलेंस दे सकूं कि इनको आपने जिस तरह से सेंडिंग डिसेंडिंग करते हैं सेम इसी तरह इस तरह करना है, ठीक है। इसको आप देखें, नंबर लाइन पे मैं ड्रॉ कर देती हूँ, नंबर लाइन से मैं आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग समझा देती हूँ, ठीक है। ये जीरो आ जाएगा, ठीक है, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, ये माइनस फोर आ गया, माइनस फाइव, ये वन टू थ्री फोर और ये फाइव। इस साइड पर ये होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, जबकि इस साइड पे क्या होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। ये जो हिस्सा होता है ये इंक्रीजिंग में जाता है, जबकि ये हिस्सा किस में जाता है डिक्रीजिंग में जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि माइनस फाइव टू माइनस थ्री और जीरो, हमने क्या करना है इसको डिक्रीजिंग में लिखना है। अब डिक्रीजिंग में लिखना है तो आप देख सकते हैं माइनस फाइव यहां पर है,
टू है, तो इसको मैं पहले सेट कर लेती हूँ, यानी कि डिक्रीजिंग में है, यानी छोटे से बड़े की तरफ जाना है, ठीक है, सॉरी डिक्रीजिंग में है, जो हमने क्या करना है, बड़े से छोटे की तरफ जाना है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो ये डिसेंडिंग भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है, बड़े से छोटे की तरफ हमने जाना है। तो अब इधर सबसे बड़ा देखें कौन सा है, यहाँ पर देखें टू है, सबसे बड़ा टू है, ठीक है, टू है, इसके बाद क्या आ रहा है, यहाँ पर जीरो आता है, ठीक है, फिर इसके बाद कौन सा आ रहा है, जीरो के बाद माइनस थ्री और फिर माइनस फाइव है, माइनस थ्री और ये माइनस फाइव, ठीक है। अब नेक्स्ट इसी तरह देखें, वन माइनस टू माइनस फाइव और फोर, सबसे बड़ा जो इसमें आ रहा है वो फोर है, इससे छोटा वन है, फिर माइनस टू पहले आता है और फिर माइनस फाइव आता है, ठीक है। अब इसी तरह से तीसरे में देखें, माइनस वन माइनस टू फोर और टू, जो सबसे बड़ा है वो फोर है, इसके बाद टू आता है, फिर पीछे जाते जाए ना, फोर माइनस टू और माइनस वन है, ठीक है, ये देखें पहले फोर आता है फिर टू आता है, फिर उसके बाद इसमें कौन सा था, माइनस टू है, और पहले माइनस वन आता है और फिर माइनस टू आता है, तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस वन और फिर माइनस टू। तो ये हम लोगों ने किस में की है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में की है, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ असेंडिंग डिसेंडिंग में सिर्फ आपको बता रही, इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको थोड़ी सी ट्रिक मिल जाए कि जिस तरह से असेंडिंग डिसेंडिंग करते हैं, असेंडिंग छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं और डिसेंडिंग बड़े से छोटे की तरफ आ रहे होते हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग भी सेम उसी तरह है, बस इसमें नंबर लाइन का हम लोग जिक्र कर देते हैं, ठीक है, बाकी तो वही चीज़ है, ठीक है, तो इसमें आपने कन्फ्यूज नहीं होना। हाँ जी, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर सिक्स करते हैं कि टू बसेस लेफ्ट हैदराबाद ऑन द सेम डे, ठीक है, दो बसेस हैं जो कि हैदराबाद जाती हैं एक ही दिन में, वन ट्रेवल 170 किलोमीटर टूवर्ड द लाहौर, जो एक है वो 170 किलोमीटर लाहौर की तरफ जा रही है, जबकि जो दूसरी है वो 66 किलोमीटर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, मिसाल के तौर पर लाहौर इस तरफ को जाया जा रहा है तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है, इन बिटवीन द टू बसेस एट द एंड ऑफ द डे, हमने डिस्टेंस फाइंड करना है दोनों बसेस का, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं वन ट्रेवल्ड 170 किलोमीटर है, तो हम यहाँ लिखते हैं 170, ठीक है, डिस्टेंस है माइनस लगाएंगे और ऑपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस 66 आ जाएगा, ठीक है, माइनस 66 आ गया, अब 170 माइनस माइनस हो गया प्लस 66, ऐड कर देते हैं 13 और ये 2, तो 236 किलोमीटर ये डिस्टेंस आता है दो बसेस के दरमियान, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि आपने किस तरीके से इनको सॉल्व करना है, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एक हमारी रिक्वेस्ट है कि जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है।